Namaste all. आदरणीय मंच और सभी उपस्थित उद्योग जग मित्र, आप पे अभी इतनी डेटा की भरमार हुई है और इतनी सारी चीज़ें पता चली है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि जो चीज़ें आपने पूछनी थी हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे। CIFE से भी लोग और कई अदर इंस्टीट्यूट से, ताकि फिशरमैन कम्युनिटी जो है, मैं फिशरमैन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो डेटा से अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कई जगह पे अवेलेबल है, बट ये चीज़ें फिशरमैन कम्युनिटी तक नहीं पहुँचती, और उसी कारण ये जो चीज़ें हैं जो नहीं पहुंच पाती, उसी कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे इन महाशय का सवाल था कि हमें ऐसी एक जगह बताइए कि ये सारे जो हमारे क्वेश्चन है ये एक जगह पे आ जाए। उन साहब ने बताया कि हमारे जो मार्केट है अभी भी अनहाइजीनिक है। सुरेश साहब के प्रेजेंटेशन में भी वो मेंशन किया था कि अनहाइजीनिक मार्केट होते हैं ताकि लोग वहाँ जाते नहीं। डॉक्टर मूर्ति हैड सेड कि दे हैव अ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन डेवलपमेंट फॉर द मार्केटिंग मार्केट्स विच वी हैव टू यूज, बट ये कैसे होगा? समवन नीड्स टू बी देयर कि जो गवर्नमेंट या जो एजेंसीज है, कल मुझे पता चला यहाँ पे ओपनिंग इसमें के 20 मैरिटाइम्स इंस्टीट्यूट्स आर देयर एंड एसोसिएट्स हु आर वर्किंग टुगेदर टू हेल्प फिशरमैन। तो एज अ फिशरमैन हमें भी ये करना है कि हमें उनकी राह ना देखते हुए हमें उनके पास जाना है, और हम उन चीज़ों का लाभ कैसे ले सके वो हमें देखना है। वो तो आएंगे ही, हम उनसे क्वेश्चन करेंगे ही कि ये जो सारी टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ें हैं, CIFE के पास कई प्रोडक्ट है, मैं खुद CIFE से मैंने कोर्सेज किए हुए हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं तो हमें उपलब्ध होनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए। इसीलिए हम फिशरमैन कॉमर्स चैम्बर्स का गठन कर रहे हैं, ताकि ना कि मुंबई के, नवी मुंबई के या महाराष्ट्र के, बल्कि साउथ से लेके नॉर्थ तक और वेस्ट से लेके ईस्ट तक जितने भी फिशरमैन्स हैं वो उस कॉमर्स चैम्बर्स में आ जाए, ताकि आज की सरकार ने हमें जो अभी उपलब्धि दी है कि ये फिशरमैन फिशरी डिपार्टमेंट एक अलग से होगा, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, पशु संवर्धन एवं दुग्ध व्यवसाय और मत्स्य व्यवसाय एकत्र था, उसको अभी डिपार्टमेंट करेंगे, और मुझे आशा है कि उस ये चेंजेस के वजह से हमें काफ़ी राहत भी मिलेगी। आज डिपार्टमेंट हुआ है, शायद कल मिनिस्ट्री भी होगी, एंड वी विल गेट अ सेपरेट मिनिस्टर फॉर इट, और शायद हमारे पहले लोगों ने इतना अच्छा लड़ा दिया है कि आज हम डिपार्टमेंट तक पहुँचे हैं, और आने वाले टाइम में हमें एक मिनिस्ट्री मिलेगी जिससे हम साथ में काम कर सकें। लेकिन एज अ प्राइवेट संगठन, फिशरमैन कॉमर्स चैम्बर्स एक ये जो संस्था होंगी, CIFE है, हमारे फिशरमैन कम्युनिटी में कई लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, कई लोग हैं जो आज भी पारंपरिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक अभी इतना डेटा हुआ है कि इसको हम लाइट करने के लिए मैं एक छोटा सा एक स्टोरी या जोक, इसे किसी को हर्ट नहीं करना है, लाइटली एक जोक बताऊंगा। जैसे 1947 वी गॉट फ्रीडम, हमें आज़ादी मिली, तो कई साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा तय किया कि एक रॉकेट हमें भेजना है स्पेस में, लेकिन वो मैन उसमें अंदर जो बैठेगा एस्ट्रोनॉट, ही विल नॉट कम बैक, वो सिर्फ जाएगा, आएगा नहीं। दैट रॉकेट और दैट स्पेसशिप गॉट, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। तो कई लोगों को बुलाया गया, तो तीन लोग सिलेक्ट हो गए, तो फर्स्ट पर्सन वॉज सरदार पंजाबी, सेट कि आपको क्यों जाना है, मतलब आपको तो पता है अभी अगर जाएंगे तो वापस आना नहीं है। तो बोला हाँ, हमारे इसमें लिखा है कि देश की सेवा करो,
दसवें पातशाह ने बताया है, तो इस साइड के मैं तैयार हूँ जाने के लिए। तो इस साइड बोले क्यों, लेकिन मतलब ऐसे जाना क्यों है? तो बोले नहीं, हम देश की सेवा करते हैं तो हमें जाना है। तो बोला इसका कितना चार्ज लोगे आप? तो इस साइड 3 लाख रुपये। तो बोले 3 लाख तो बहुत ज़्यादा है, क्यों? तो बोले नहीं, अभी मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, जो भी है मैं उनके साथ थोड़े दिन स्पेंड करूंगा और 3 लाख रुपए उनको लगेंगे। तो बोले ठीक है। दूसरा आदमी आता है वो से गुजराती, सेम क्वेश्चन कि क्यों? तो बोले हमें भी हेरिटेज, हमें भी महात्मा लोगों ने एजुकेट किया है, हमारा भी देश को समर्थन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, गांधी जी है। तो बोले ठीक है, तो आपको भी पता है कि ऊपर जाना है और आना नहीं है। तो बोले यस, आप कितना लेंगे? तो इसे 6 लाख रुपीज़। तो बोले ये डबल हो गया, क्यों? तो बोले 3 लाख मेरे बीबी बच्चों का बंदोबस्त करना है, मुझे भी इंजॉय करना है, तो आई विल नीड 6 लाख रुपीज़। तो बोले ठीक है, वी विल लेट यू नो। थर्ड पर्सन कम्स एंड ही इज़ अ मारवाड़ी गाय, सेम क्वेश्चन कि ऊपर जाना है, आना है, नहीं आना है वापस? तो बोले हाँ, आई नो एवरीथिंग। तो बोले आपका क्या चार्ज होगा? तो बोले 9 लाख रुपये। तो बोले 9 लाख इतना क्यों? तो बोले 3 लाख का मैं मज़ा करूँगा, 3 लाख बच्चों को रखूँगा और 3 लाख से वो सरदार को बुलाऊँगा और उसको भेज दूँगा, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। क्या होता है कि ये हमें सीखना चाहिए, उसमें है उद्योजकता, मतलब एंटरप्रेन्योरियल। हम जो बिजनेस कर रहे हैं एज अ फिशरमैन, हम बिजनेस कर रहे ट्रेडिशनल पद्धति से। आज भी अगर हम नेशनल एसोसिएशन फिशरमैन से, जब मैं जुड़ गया 1.5 साल से, मैं अलग अलग स्टेट्स में हम ट्रैवल करते हैं। अभी वर्ल्ड फिशरी डे जो हमने ताइवान में मनाया, वहाँ की जाके हमने टेक्नोलॉजी देखी, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, वी बीन टू द ताइवान टू अंडरस्टैंड, अलग टाइप की टेक्नोलॉजी है। मतलब ये चीज़ें ऐसी है कि हमें मांगनी चाहिए सरकार से, शायद एज ए फिशरमैन कम्युनिटी हम मांग नहीं पा रहे। अभी मैं देख रहा हूँ साहब जो प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, देर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, मीन एज अ पर्सन आई ऑल्सो नॉट अवेयर। मैं साहब को उन दिनों मिला था अभी पिछले वीक में, तो बाद में मैं उनके साइट पे जाके आई हैव स्टडीड दैट, फिनोमिनल, काफ़ी चीज़ें हैं, बट हम क्वेश्चन पूछते हैं उसके आगे हम कर नहीं पाते। शायद आज इंक्यूबेशन सेंटर अवेलेबल है हमारे में, जो स्टार्टअप से स्टैंडअप इंडिया आया, स्टार्टअप आया, हमारे जो बच्चे हैं वो जो फिशर मार्केट बनाओ, NFDB की स्कीम्स है, आई थिंक NFDB सपोर्ट कर रहा है आपको मार्केट बनाने के लिए एज अ संस्था कोऑपरेटिव को। हमें जाना चाहिए उनके पास। जैसे आज़ादी के बाद एक किताब है रामचंद्र गुहा जी की, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बड़े बड़े स्टेट्समैन हैं, उन्होंने देश को चलाने के लिए अलग अलग, उनका जो बुद्धि का इस्तेमाल करके आज हम इस जगह पे है। शायद हम में से भी कई लोगों को ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हम कैसे ये छोटे स्टेप्स से, आज मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हम नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के ज़रिए बिजनेस सेल की स्थापना की और उसमें से हम कई युवाओं को जोड़ रहे हैं। आज फिशरमैन कॉमर्स चैम्बर्स का जो गठन हो रहा है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टेबल एंटरप्रेनर्स है, उद्योजक है, उन्हें उस प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके और उसमें हमें ब्लू इकोनॉमी ब्लूकॉन 2019 सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये कई उपलब्धियाँ है जो हमारे क्वेश्चंस को सेटल कर देंगे। जो जो क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है कि ज़्यादातर चीज़ें हम जो देखते हैं साउथ में कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, बॉम्बे में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स कहाँ हैं? फेरी वार्फ पे एक है, बट वो किसे दिया है, किसे मिला है, किसने मांगा है, ये भी उतने ही मायने रखता है। तो हमें मांगना ज़रूरी है। तो हमारे जो कम्युनिटी से लोग आए हैं, हमारा कहना ये है कि जो अपनी कम्युनिटी है, फिशरमैन कम्युनिटी, वी शुड स्टार्ट आस्किंग। और वो आस्क करने का तरीका होता है। हम ये नहीं कर सकते कि हर बार कोई चीज़ों को हमें धरना करना चाहिए, अन्याय लड़ा, समस्या ये है, रहेगी हर एक कम्युनिटी में है, लेकिन उद्योजकता, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमें डालनी चाहिए। या हमारे कितने लोग यहाँ पे है फिशरमैन जो एज अ फिशरमैन है लेकिन ट्रेडिशनली फिशरमैन हमारा बोट से या उससे संबंध ही नहीं आ पाता। और जो साहब ने बताया कि 4.5 करोड़ 450 लाख पीपल आर एंगेज विद द फिशिंग एक्टिविटीज़, 4 लाख 50 साढ़े चार करोड़
फिशरमैन अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है, इमेजिन द रेवेन्यू दे आर जनरेटिंग, बट आज हमें वो कॉमर्स या एज अ इंडस्ट्री हमें वो मिला नहीं है. क्यों नहीं मिला? क्योंकि वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड. हमें उसके लिए ऑर्गेनाइज्ड होना ज़रूरी है, और उसके लिए प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म का गठन करना ज़रूरी है फिशरमैन कॉमर्स चैम्बर्स जैसे. जैसे आज कोई क्वेश्चन है, आज मुझे क्वेश्चन थे जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, आई हैव गॉन टू महाराष्ट्र कॉमर्स चैम्बर्स, आई गॉट अ सपोर्ट. सिमिलर वे अगर हमारे यहाँ से कोई आ रहा है, उसे नहीं समझ पा रहा है, तो पीपल लाइक अस कैन गैदर, और पीपल, आई एम श्योर दिस पीपल कैन हेल्प अस. ये जो लोग हैं जो अलग अलग संस्था से जुड़े हैं, CIFE तो वर्सोवा में, जहाँ से मैं आता हूँ, मैं वर्सोवा में रहता हूँ. CIFE मुझे पता चला जब मैं वहाँ पे कोर्स कर रहा था, दैट इज़ एशियाज बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर अ फिशरीज. वी हैव टू फील प्राउड कि हमारे यहाँ पे है, बट हम उसका फ़ायदा नहीं ले सक रहे. मुंबई में 41 फिशरमैन कॉलोनीज हैं. हाउ मेनी पीपल गो देयर? जबकि एशिया का सबसे बड़ा फिशरीज इंस्टीट्यूट है. तो हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, और हमें मांगनी चाहिए. चीज़ें हैं वहाँ पे, लोग हैं जो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं. ओनली थिंग इज हमारे में वो विश्वास चाहिए, हमारे में वो जाने की भावना चाहिए, तब हम आगे और जा सकते हैं. एज अ सोशल वर्कर मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि कई इंस्टीट्यूट आए, हम उनसे रूबरू करें, हम उनसे क्वेश्चन पूछें. जैसे उन साहब ने पूछा कि मार्केट हमारा गंदा होता है. जी होता है, बिल्कुल. आज मेट्रो के डेवलपमेंट में कई मार्केट वहाँ से उठाए जा रहे हैं. नवी मुंबई में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है अलग अलग जगह पे, लेकिन वो सिर्फ प्रॉब्लम पे बात ना करते हुए, प्रॉब्लम बताना तो आसान है कि प्रॉब्लम है, कैन वी कम अप विद अ सोल्यूशन ऑल्सो. हम ही सोल्यूशन लेके उनके पास पूछने जाए कि इसका क्या सोल्यूशन. आज हमें भी कई चीज़ों पर, हम बीच क्लीनिंग एक्टिविटी किया था, बीच क्लीनिंग एक्टिविटी में हर 100 किलो कचरे में, प्लास्टिक कचरे में 35 किलो सैनिटरी पैड है. सैनिटरी पैड, नेशनल ज्योग्राफी का मैं एक वीडियो देख रहा था, दे आर सेइंग 30,000 करोर माइक्रो पार्टिकल्स आर देयर इन द सी प्लास्टिक के, जो फिश के जरिए अपने प्लेट पे आते होंगे, अपने पता नहीं हमें. तो ये पैड ना जाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है. अभी उस पर हमने क्या करना चाहिए, तो वी हैव कम अप विथ समथिंग कॉल्ड प्रोजेक्ट रेड डॉट. अगर प्रॉब्लम है तो आई थिंक वी ओनली हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन, और वो प्रेजेंट करो. शायद हमें टेक्नोलॉजिकली या साइंटिफिकली वी विल गेट अ हेल्प, हमें पता नहीं है, हमें जाना ज़रूरी है. तो एज अ फिशरमैन आई थिंक हमें ये बारे में काम करना चाहिए. क्वेश्चन पूछना आसान है, पूछना ज़रूरी है, बट अगर वो क्वेश्चन के माध्यम से हम सॉल्यूशन भी उन्हें दे पाए, तो शायद हम ये इंडस्ट्री लेवल तक जा सकती है. एक कॉमर्स चैम्बर्स बन सकता है अच्छी तरह, जिसका हम गठन कर रहे हैं. और मैंने जो कन्वेनियर है ब्लूकॉन के, कमांडर दीपक नाइक जी, उन्होंने हमसे हमें उनको हमने ये दिया है आश्वासन कि इस साल 2019 ब्लूकॉन अगर फिक्की के साथ कर रहे हैं, तो अगला 2020 ब्लूकॉन फिशरमैन कॉमर्स चैम्बर्स के साथ होना चाहिए, और उन्होंने उसके लिए हाँ बोला है. तो शायद मैं इतना बोल के आपसे धन्यवाद बोलता हूँ.